हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्रेड पैटीज बनाएंगे। इसके लिए हमने लिया है 100 ग्राम गाजर, 50 ग्राम शिमला मिर्च, 2 प्याज, 100 ग्राम बंद गोभी। इन सभी को मैंने काट लिया है और हमने लिया है ब्रेड और कुछ मसाले, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच पिसी काली मिर्च, आधा चम्मच अजीनोमोटो, 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच टमाटो चिली सॉस, मैगी मसाला और पास्ता सॉस। और ब्रेड के किनारों को हम इस तरह से काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से। आप चाहें तो सीजर से भी काट सकते हैं इस तरह से। अब ब्रेड को हम बेलन से इस तरह से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम सब्जियों को पका लेंगे। मैंने कढ़ाई में तेल डालकर सारी सब्जियां डाल दी हैं। और अब इसे हम अच्छे से चलाएंगे। और ये देखिए रंग बिरंगी सब्जियां कितनी अच्छी लग रही हैं। सब्जियां लगभग पक गई हैं। अब इसमें हम एक उबला हुआ आलू हाथों से प्रेस करके डाल देंगे और इसे कलछी से मैश कर देंगे। और अब हम डालेंगे काली मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, अजीनोमोटो, चिली फ्लेक्स, सोया सॉस और टमाटो चिली सॉस, मैगी मसाला और अब इसमें हम एक चम्मच पास्ता सॉस डालेंगे। और इन सभी को हम अच्छे से मिलाएंगे। और अब इसमें हम नमक डालेंगे और एक बार और इसे मिला लेंगे अच्छे से। और पैटीज की फिलिंग तैयार हो गई है। अब हम एक बाउल में 2 चम्मच आरा रोट लेंगे और 2 चम्मच मैदा लेंगे। इसका हम घोल तैयार करेंगे। थोड़ा सा गाढ़ा घोल हम एक अलग बाउल में निकाल लेंगे और इस घोल को हम थोड़ा सा और पतला कर लेंगे। और ये देखिए पैटीज की पूरी तैयारी हो गई है। ब्रेड पर हम इस तरह से हरी चटनी लगाएंगे। आप चाहें तो चिल्ली सॉस लगा लीजिए या टमाटो सॉस भी लगा लीजिए। अब फिलिंग को हम 1.5 चम्मच ब्रेड पर रखेंगे। और इसमें एक चीज का क्यूब्स डालेंगे। और जो घोल हमने अलग निकाल के रखा था उसे ब्रेड के किनारों पर इस तरह से लगा देंगे। ये चम्मच से सही से नहीं लग रहा है, इसे उंगलियों से हम इस तरह से लगाएंगे। और इसे इस तरह से किनारों पर दबा देंगे। इसे अच्छे से दबाइएगा ताकि इसकी फीलिंग बाहर ना आए तलते वक्त।
अब इसे हम इस घोल में डालकर डिप करेंगे। और अब इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स को इस तरह से लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से। इसी तरह हम सारे पेटीज को तैयार कर लेंगे। अगर आपके घर में मेहमान आने वाले हैं या किसी त्यौहार या पार्टी में बनाना हो तो आप इसकी तैयारी पहले से भी करके फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और जब ज़रूरत हो तब आप इसे गर्मा गर्म तल लें। ये सभी को बहुत पसंद आएगा और आप जब भी इसे बनाएंगी सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। और ये देखिए दूसरी पेटीज भी हमने इसी तरह से भर के तैयार कर लिया है। और इसी तरह हम सारी पेटीज को देखिए तैयार कर लिए हैं। अब गैस पर हम कढ़ाई चढ़ाएंगे, इसमें हम तेल डालेंगे और जब तेल गर्म हो जाए तब हम पेटीज को तलने के लिए डाल देंगे। और इसको इस तरह से अलट पलट कर अच्छे से तल लेंगे जब तक इसका रंग बिल्कुल गोल्डन कलर का ना हो जाए। और इसी तरह हम सारे पेटीज को तल लेंगे। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। देखिए कितनी फूली फूली पेटीज बनके तैयार हो रही है। और ये देखिए बाहर से क्रंची और अंदर से कितना जूसी है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाइए।